MTV Hustle 03 represent अब आ चुका है अपने सातवें हफ्ते में. And this is the Govo Bass का Boss Week. So your tracks better have clarity, better have that thump and that power. तो चले करें शुरू. भाई अगला गैंगस्टर आ रहा है, बहुत कंसिस्टेंट है. जितना ये हार्ड वर्किंग है उतने ही डाइवर्स इसके गाने हैं. इसका नाम है रैप आई डी. खौफ ना सैतन ना गॉड, सब छोड़ चले दुनिया अगले दिन ही मौत. बहुत बड़े लिखे बने बदले मौसम पे मौन, जिसको दत्ते बड़े उसका शौक रखे कौन. जंगल हटा दिए बगीचे बना दिए, कितनी नस्ल खत्म कितनी कगार पे ला दिए. खूंखार दृश्य ईश्वर के बच्चे भी मार दिए, और जो कुछ जिंदा बचे थे वो इंसान ने खुद कच्चे चबा दिए. Rap ID trying rap rock. You had crazy rhyme schemes going throughout. You started with a five-syllable rhyme, Jat Pat Pe Hatya, Uska Ram Naam Satya, again six-syllable, Insan Kaha Bhatak Gaya, eight-syllable. You kept on doing that for so many bars without using any filler thoughts. But in the second half of the first verse, your rhymes were not, you know, cutting through. On the chorus, you know, you could have pitched up. Like, you could have said that Dekhne Ka Vakt Tham Gaya in a higher pitch. That could have done the magic. But a good performance, man. अगर सोनू सूद के बाद लोगों को घर भेजने में कोई माहिर है तो वो है मेरा अगला डायनामाइट. माय फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन एनी बैटल, गिव इट अप फॉर शेन बी. क्या है आज ये सेल्फ हेल्प के बारे में? मैं ये सीना ठोक के बोल सकता हूँ, मैंने अपने आप को तोड़ के निकाला है इसमें से. ये गाना उसी पे है, मेरी थॉट्स पे है गाना, इसीलिए गाने का नाम आजादी है. नींद कीमती है सोने से, पाना ना आसान दाम लगता सोने पे रोने से. फतेह नहीं हुए मुकाम वो समंदर ही क्या जिसे गुमान गहरा होने पे. कतल खुद का करता करना बुनता खाब इस जहन के उस बहन से, मुझको दिल से इख्तलाफ. बेवजह गुलामी ना मैं सहता रहूंगा, तू तोड़ दे मैं टूट के भी कहता रहूंगा. मुझे नहीं पता कि तू मेरे को कहां ले गया, मेरे को कोई दिखा नहीं, मेरे को सिर्फ तू दिख रहा था. भाई बहुत मैच्योर राइटर है तू, जो अपने थॉट से लड़ना जानता है ना सबसे लड़ना जानता है, जो अपने आप से लड़ता है ना सबसे दुनिया से लड़ता है. आई नेक्स्ट सिद्धू भाई को हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट देने के बाद, भाई इस गैंगस्टर को पूरी कम्युनिटी से बहुत प्यार मिल रहा है. गिप्पी पाजी डॉक्टर ज्यूस पारी से लेकर इसको शॉर्ट आउट मिला है. इसका गाना नंबर वन ट्रेंडिंग पे गया. और सबसे बड़ी बात भाई, सिद्धू पारी की मदर ने इसका गाना शेयर करा. मेरा भाई बॉबी रंधावा यार. ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰੋ ਹਿਪ ਹੌਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਸੂਪ ਡੌਗ ਦਾ ਸੀ ਨਾਮ, ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਟੌਪ ਤੇ, ਚਪਾਤ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਿਪ ਹੌਪ ਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪ 'ਚ ਸੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਚਣੀ ਖੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਈ. क्या करने वाला आज? आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे परफॉर्मेंस का है वो कन्वर्सेशन है मेरे डैड के साथ. जो हर लड़के ने एक पॉइंट पे अपने डैड के साथ की होगी, व्हेन एवर ही वांटेड टू गो हेयर एंड डू समथिंग इन लाइफ. आओ जा रहा हूँ दूर कहीं मैं, क्योंकि मैं जानता कि ये मेरा सफर ना रुको बेटा, मैं गलत, तू मुझे छोड़ के मत जाओ. तुम मेरी औलाद हो, मुझे ऐसे ना सताओ. तू नहीं तो मेरा अस्तित्व क्या है पापा, मैं दूर रहूं पर मेरा दिल यहाँ है. मेरी मौत भी जुदा नहीं कर सकती मुझे आपसे, आपके पैसों ने कभी नहीं बुलाया खींचा आपके पास, आपके एहसास ने बस, अब मैं आपसे लड़ नहीं सकता. जब आर्टिस्ट ना अपने दिल की बात लिखता है ना, मेरे को बहुत खूबसूरत लगता है भाई. वो जो आज की ये बात थी, मैं समझता हूँ कि वो पापा से तेरा क्या कनेक्शन है. अभी तो जी सकता मर्दी से, पर ये सोसाइटी का है एक्यूप्रेशर. टेक्नोलॉजी क्रिएटर की क्रिएटिविटी की चिपक्रीन बनी एक्यूप्रेशर. खाने को मिल रही ना तीन वक्त की रोटी, और सर पे है छत तो फिर है क्यों टेंशन. लोगों का ओपिनियन मेरे जीने का ढंग, क्योंकि होना ना रेप्यूटेशन. ये सब देखते कि मेरे को मिल गया नेविगेशन, मैं खुद ही गलत पर सब पे लगाया एलिगेशन. अप्रूवल पाने को भरा मैं कितने एप्लीकेशन, काहे की लिखाई जिसमें मेरे को होना. Please reveal our Poco Performer of the Week. Performer of the Week is Vijay Dada.
Let's go. Congratulations, Ule Dada. Aapko milta hai Poco smartphone. Please join us on the stage. And I request your squad boss, Dino Bhai, please do the honors. Badalti dekhi ek kismat pe mera khud hai zinda ke fir awaaz awaaz ki to kaise hasil kare aur saath hi saath aapko milta hai golden crown. Come on guys, give it up for Vijay Dada and Dino Warriors. Thank you Sunny, thank you Manik. जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये क्राउन पिन इज अ बैच ऑफ ऑनर और इसलिए इस सीजन ये पिन आपके लिए जीतना जरूरी था. I request all the crown pin winners to be on stage. युद्धभूमि शून्य तीन की शुरुआत कलम क्रांति अलंकारी इतिहास कलाकारी गदादारी अंदाज शब्दों की भट्टी का तू लो. And now it's time to find out कि आप में से किसको मिल रही है ये प्रेस्टीजियस टिकट टू फिनाले. इसका मतलब है कि आप फिनाले तक एलिमिनेट नहीं हो सकते. तो ये टिकट मेरे हाथ में है, टिकट टू फिनाले, जो कि मिलेगा इन पांचों में से किसी एक को बेस्ड ऑन देयर कंसिस्टेंसी, बेस्ड ऑन देयर वर्सिटैलिटी. हमारे जो पांच कंटेंडर हैं वो हैं शेन बी, उदय, मृणाल, बुर्रा और विजय दादा. और ये टिकट टू फिनाले मृणाल. कितने रैपर्स, कितने काबिल, किसका है गरम खून और किसमें क्रांति, कितने काफी, कितने पॉइंट्स, किसमें एनरोल करो जब एडमिशन ओपन. हसल कर तू हसल कर, वी हसल हार्ड. खुद की सोच. We've experimented with so many different genres, traditional, bandish, jersey beat, gujarati or blues. Congratulations Mrunal, a very well deserved ticket to finale. Baki sabko main bata dun, in the coming weeks there is one more ticket up for grabs. Let's do this. अब बारी है ग्राउंड शून्य की. मैंने आपको बताया था कि इस बार एक नहीं दो हसलर्स की एमटीवी हसल की जर्नी खत्म होगी. कर सके ऐसा कोई लाडला नहीं क्योंकि कलम ये बोल ज्यादा मैं बोलता नहीं. रहमान रहमतदार रियाज बीत पे तोड़ता नहीं अकेला कमरा काटने अब दौड़ता नहीं. बन चुका मैं अंजुमन में अर्जुन बान पिन कल्पना के जोड़ता नहीं. खुद से कैसे मैं कहूँ मुझ जैसा कोई बेजोड़ता नहीं. ये मेरी कहानी हरियाणा मिडल टाउन तो नाली लेके फिरते सानू नी फिकर नी किसी दी वैरी आदि करा से दिने डाउन तैनू पता किया मेरे बारे हत्ता च गलौप तू किन्ने पूछी दी सवाल यार सारे मेरे ना तैनू हुंदी आ फिकर मेरी पर मैं कहंदा वैरी सारे खड़े करो मेरे अगे एक एक चुन मथे ते सीधा दो नाली वच बॉडी किते डंप डिसाइड करन मेरे मुंडे. कोई भी ना दिखे अब इस लीग में जो बचे उनकी हथेली फ्रैक्चर है. मॉडरेटली लुकिंग एट रिफ्लेक्शंस उसी में करे हम मैडलिंग गोस तभी दिखते बस मेंशंस या लोने इतने पॉजिटिव तभी रखे सब ट्रैक पे एंड देन बढ़ते की फ्रैक्शंस हम ओवर कॉन्फिडेंट दिखते तो स्टेपिंग ऑन नो स्टोन्स द सीन बना था कि शी इज कैसल. बैटल रैप फॉर लाइफ. मुझे वहां आना है एक बार. ये